डेरिवेटिव ऑफ मॉड एक्स क्यूब। हाय एवरीवन, वेलकम टू मैसेजी। आज हम लोग बात करेंगे मॉड एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन। मॉड एक्स यानी कि एब्सोल्यूट एक्स एक सिग्नम फंक्शन है और अपने डिफरेंट बिहेवियर की वजह से इसे अलग तरीके से डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसे। हमारे पास फंक्शन है मोड ऑफ एक्स क्यूब। हम जानते हैं मोड एक्स जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन होती है प्लस एक्स। मोड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। मोड एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन है जो हमने लास्ट टू वीडियोस में, जब मैंने आपको मोड एक्स का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव सिखाया था, उसमें हमने डिटेल में से डिस्कस किया था। आप सभी को भी ई मोड एक्स की डेफिनेशन पता ही होगी। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट मोड एक्स क्यूब। अब मोड से निकलने वाला फंक्शन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये डिसाइड कैसे होता है? मोड से निकलने वाला फंक्शन एक्स होगा अगर जो एक्स है वो पॉजिटिव है या तो ज़ीरो है। मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स होती है अगर जो आपका एक्स है वो एक नेगेटिव है। तो जब हमें जनरली डिफरेंशिएट करना होता है तो हमें नहीं पता है कि मॉड कैसा फंक्शन है, इसलिए हम लोग दो केसेस पे बात करेंगे। केस वन, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, जब ये पॉजिटिव होगा। एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे क्या होगा? एक्स इक्वल टू अगर ज़ीरो हो जाए तो ये तो ज़ीरो ही होगा फंक्शन, और ज़ीरो पर डेरिवेटिव ज़ीरो ही होता है। तो हम लोग ज़ीरो के केस की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट केस, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो उस टाइम पे जो हमारा फंक्शन होगा तो उस टाइम मॉड एक्स कैसा हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो मॉड एक्स कैसा होगा? एक्स होगा। और हमें अब तो करना डिफरेंशिएट है, तो हमारा एफ एक्स कैसा है? एक्चुअली मॉड एक्स क्यूब है, लेकिन हम कह रहे हैं एक्स पॉजिटिव है इसलिए मॉड एक्स एक्स होगा, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब। अब क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हो इसे? हम इसे ऑब्वियसली डिफरेंशिएट कर सकते हैं 3x2। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, 6x। अब आपको ये बताना है कि इस एफ एक्स का यानी मोड एक्स क्यूब का सेकेंड डेरिवेटिव हमेशा एग्जिस्ट करता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब सोचिए, इसका डेरिवेटिव आया है 6x, ये एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिख देंगे यस, एफ डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, सेकेंड केस। सेकेंड केस, व्हेन एक्स इज नेगेटिव, तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन एक्स इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो मोड एक्स क्या होता है? नेगेटिव एक्स होता है, ठीक है। तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? हमारा फंक्शन हो जाएगा, फंक्शन एक्स मॉड एक्स क्यूब है, लेकिन मॉड एक्स तो माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और माइनस एक्स क्यूब इज माइनस ऑफ एक्स क्यूब ओनली। अब क्या आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो? ऑब्वियसली हम इस मॉड एक्स क्यूब का कर सकते हैं, माइनस साइन बाहर और ये 3x2 हो जाएगा, और इसका सेकेंड डेरीवेटिव आ जाएगा माइनस 6x। तो हम देख सकते हैं भले ये नेगेटिव आ गया है लेकिन फिर भी x की हर रियल वैल्यू के लिए तो एग्जिस्ट करेगा ही। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एफ डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। होपफुली आप ये समझ पाए हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू की जब जब बात आती है तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो केस लेने होते हैं। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे मॉड x क्यूब को।